सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें दिया हुआ है तीन मैट्रिसेस, कौन सी? ए, बी एंड सी। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है, बी के गिवन है और सी के भी गिवन है, तो हमें ये चीज़ें निकालनी है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, थर्ड पार्ट में 3a-c, फिर फोर्थ ए बी एंड फिफ्थ बी ए। तो हम एक एक करके सॉल्व करना शुरू करेंगे इनको। फर्स्ट पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 4 3 2। बी मैट्रिक्स है हमारे पास, बी मैट्रिक्स 1 3 -2 5, और इसी तरह से स्टूडेंट्स सी मैट्रिसेस है -2 5 3 एंड 4। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम पहले, जो हमें निकालना है ए प्लस बी। क्या निकालना है हमें? ए प्लस बी। ए प्लस बी के लिए हमें पहले ए को लिखना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स 2 4 3 2, प्लस अगेन विल राइट डाउन बी मैट्रिक्स 1 3 -2 एंड 5। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस में ऑलवेज क्या होता है कि जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे होता है उसको उसी जगह पे ऐड किया जाता है। जैसे मैं फर्स्ट मैट्रिक्स ए का और सेकंड मैट्रिक्स बी का एलिमेंट्स अपनी अपनी पोजीशन पे प्लस करूँगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हमारा 2 है और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हमारा 1 है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2 प्लस 1। इसी तरह से नेक्स्ट वाला 4 प्लस 3, नीचे 3 प्लस -2 एंड 2 प्लस 5। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा 3 7 1 7। 3 -2 कितना हो जाएगा? 1। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर हमें निकालना है ए माइनस बी को, ए माइनस बी, तो 2 4 3 2 लिखेंगे, बट आगे माइनस आएगा। माइनस के बाद अगेन हमारे पास आ जाएगा बी के एलिमेंट्स 1 3 -2 एंड 5। तो फिर हम क्या लिखेंगे? 2 -1 4 -3 3 -2 और 2 -5। तो ये हमारे पास बन के कुछ इस तरह से आएगा 1 1 3 प्लस 2, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 और यहाँ रहेगा -3। राइट फ्रेंड्स, फिर हम चलेंगे इसी तरह से थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट हमारा है 3a-, थर्ड पार्ट लिखेंगे हम 3a-c। तो पहले 3 को लिखा जाएगा, फिर ए मैट्रिक्स की वैल्यू जो हम लिखते आ रहे हैं 2 4 3 2, माइनस और सी की वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था यहाँ पे -2 5 3 और 4, -2 5 3 एंड 4। तो फर्स्ट विल डू क्या करेंगे हम पहले इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एलिमेंट को। जैसे 3 2 6, 3 4 12, 9 एंड 6। और अब हम उनको जैसे हमने पहले सेकंड पार्ट में किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 -2, 12 -5, 9 -3 एंड 6 -4। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 7 6 एंड 2।
तो ये हमारे तीन पार्ट्स हो गए।